कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, उसका स्थान कहाँ होता है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या उनका एक्टिवेशन या उर्ध्वीकरण होना जरूरी होता है, और क्या वो गुरु कृपा और गुरु शक्ति से या शक्तिपात से ही एक्टिवेट होती है या कोई और भी प्रोसेस है, और हमारी आध्यात्मिक प्रगति हुई है उसका मापदंड या मेजरमेंट क्या है। जैसे आपका ऑरा फोटोग्राफ हुआ है, पर जैसे हम सब साधकों का कोई ऐसे ऑरा फोटोग्राफी नहीं हुई है, तो हम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं वो हम कैसे समझे, आप कृपया हमें मार्गदर्शन करें। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी के छठे अध्याय में कुंडलिनी शक्ति के ऊपर प्रथम बार लिखा है। कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद में मनुष्य को क्या क्या लाभ होते हैं, उसके बारे में भी लिखा है। कि सबसे पहले शरीर के सब चक्र अच्छे हो जाते हैं, चक्र अच्छे हो जाते हैं तो उन चक्रों से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो बीमारियां ठीक होती है या नहीं होती, यानी चक्र आपके अगर अच्छे तो आपको बीमारी होती नहीं, और अगर है तो उसमें सुधार आता है, डेवलपमेंट होती है। दूसरा, आपके विचार होते कि तीव्रता कम हो जाती है, तीव्रता कम हो जाती मतलब एकदम कुछ नहीं घटित होता है, ये समझ लो आपको 10-10 मिनट के विचार करने की आदत है, तो आपको 10-10 मिनट के विचार आएंगे, लेकिन पहला विचार 10 मिनट का आएगा, दूसरा 9 मिनट का आएगा, फिर 8 मिनट का आएगा, फिर 7 मिनट का आएगा, यानी क्रमबद्ध तरीके से लयबद्ध तरीके से विचारों की तीव्रता धीरे धीरे कम होगी। दूसरा, दो विचारों के बीच में गैप आएगा, एक मिनट का विलंब का स्थिति आएगा, विलंब का स्थिति यानी शून्य का स्थिति, उसमें कोई भी विचार नहीं है, और धीरे धीरे जैसे अभ्यास करते जाओगे वैसे विलंब का स्थिति बढ़ते जाएगा, विचारों की तीव्रता धीरे धीरे कम होगी। तीसरा, तुम्हारा चित्त के ऊपर नियंत्रण हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा यानी कहीं पे भी तुम्हारा चित्त जो जा रहा है, इसमें जा रहा है, उसमें जा रहा है, उसमें जा रहा है, उसमें जा रहा है, इसके दोष ग्रहण कर रहा है, उसके दोष ग्रहण कर रहा है, उसके दोष ग्रहण, उस पर तुम्हारा नियंत्रण आएगा। और उसके बाद में चित्त पे पूर्ण नियंत्रण होने के बाद में चित्त सशक्त हो जाएगा, और सशक्त होने के बाद में आत्मा और परमात्मा का योग सिद्ध होगा। ये सब लिखने के बाद में उन्होंने अपने गुरुदेव से आज्ञा मांगी, ये सब मैंने लिखा है, आपने कहा लिखा, लेकिन लिखने के बाद में अगर इसका किसी को अनुभव नहीं कराया, इसको किसी की अनुभूति नहीं कराई, तो लोगों का इस पर विश्वास नहीं आएगा, लोग इसको मानेंगे नहीं, तो क्या मैं उसकी अनुभूति कराऊं क्या, किसी को अनुभव कराऊं क्या, कुछ लोगों को अनुभूति कराऊं क्या? तो उनके गुरु ने उत्तर दिया, वो तेरा क्षेत्र नहीं है, वो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है, जागृति कराना, अनुभूति कराना, अनुभव कराना, ये क्षेत्र तुम्हारा नहीं है, ना ये तुम्हारा क्षेत्र है, ना ये वो समय है। आज से 800 साल के बाद में ये समय आएगा, इस समय पे ये कार्य सार्वजनिक रूप से होगा, सामूहिकता में होगा, कलेक्टिविटी में होगा, लेकिन आज समय नहीं है। तो वो करा सकते थे, उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं कराई, सिर्फ लिख करके छोड़ के चले गए। आज हम वो खुशनसीब लोग हैं जो उस कार्यकाल में रह रहे हैं, जिस कार्यकाल में ये संभव है। आप ऋषिकेश में ना थोड़ा ऊपर की ओर जाओ तो आपको कई गुफाओं में, कई पहाड़ों पे, कई संत, कई महात्मा पहाड़ों पे केवल इसलिए मिल जाएंगे कि वो आत्म साक्षात्कार पाना चाहते हैं।
अब कल्पना करो, आत्म साक्षात्कार इतना आसान नहीं है। मैंने आत्म साक्षात्कार पाने के लिए सारा जीवन लगा रहे हैं, सारी साधना कर रहे हैं, सारी तपस्या कर रहे हैं, केवल इसके लिए कि आत्म साक्षात्कार मिलना चाहिए। और आपको आसानी से मिला है, आपको आसानी से मिला है, इसके भी दो प्रकार हैं। दो प्रकार यानी साधकों में भी दो प्रकार हैं। कैसे दो प्रकार बताता हूं। एक प्रकार वो जो आत्म साक्षात्कार पाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण उनको प्राप्त हुआ है। दूसरे वो साधक हैं जो आत्म साक्षात्कार लेने के लिए ही पैदा हुए हैं। इन्होंने अपने पूर्व जन्म में ऋषिकेश में, हिमालय में कहीं तपस्या की होगी, कहीं साधना की होगी कि मुझे अगले जन्म में आत्म साक्षात्कार मिले, तो उनको आत्म साक्षात्कार मिला है। तो जिनको पुण्य कर्म के कारण मिला है उनको उसकी वैल्यू नहीं है। अब देखो ना, कुछ लोगों को आत्म साक्षात्कार की वैल्यू है, क्या मिला है उसकी जानकारी है। कई साधक ऐसे हैं जिनको जानकारी भी नहीं है, उसको उनकी कोई कीमत भी नहीं, क्योंकि क्या है, अनायास मिला है ना। जैसे भी एक साधक ने मिला, अनायास मिल जाता है, वैसे अनायास मिल गया है और वो पुण्य कर्म के कारण मिला है, तो उनको उसकी वैल्यू नहीं है, तो वो उसकी कदर नहीं करते, वो ध्यान नियमित नहीं करते, साधना नियमित नहीं करते। और जिन्होंने आत्म साक्षात्कार के लिए जन्म लिया है और इनको मिला है, उनको उसकी कदर है, वो बोलते नहीं नहीं आत्म साक्षात्कार मिला है, अब इसी जन्म में मोक्ष मिलना ही चाहिए। लक्ष्य है उनका, टारगेट है। तो उसी प्रकार से आत्म साक्षात्कार एकदम छोटी सी घटना नहीं है। कुंडलिनी शक्ति हमारे मूलाधार चक्र के ऊपर जाके स्थित हो जाती है। जैसे हम माँ के गर्भ में रहते हैं ना, तो हमारे अंदर जैसे बहने बोलती है ना, जीव पड़ गया ने, कुंडलिनी शक्ति हमारे सहस्रार से प्रवेश करती है और सभी चक्रों से गुजरते हुए नीचे जाके मूलाधार चक्र पे जाके स्थित हो जाती है। और उस समय माँ जो विचार करती है, उन विचारों का परिणाम उन चक्रों के ऊपर पड़ता है। अगर माँ गर्भवती हुई, सबसे पहली न्यूज माँ को ही मालूम रहती है, तो अगर वो गर्भवती हुई, ये न्यूज से वो खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, एक अच्छी ऊर्जा, अच्छी शक्ति, अच्छी एनर्जी उन चक्रों को मिलती है। और अगर उसने महसूस किया अभी कहाँ से मैं गर्भवती हो गई, अभी तो मकान बनाना बाकी है, अभी तो नौकरी में इंक्रीमेंट बाकी है, ऐसा कुछ भी सोचा, आत्मग्लानी की, तो आने वाले कुंडली के दफे उसका विशुद्धि चक्र उस बच्चे का पकड़ा जाता है। जन्म से उसका विशुद्धि चक्र खराब रहता है, असफलता उसके जीवन भर रहती है, क्योंकि माने आत्मग्लानी का अनुभव किया जब वो प्रेग्नेंट हुआ था। और वो शक्ति जाकर नीचे स्थित हो जाती है, बैठ जाती है। अब प्रश्न आता है, हमारे माँ के गर्भ में जो शक्ति आई थी, वो शक्ति जाकर नीचे स्थित हो गई, उसको आज जागृत करने की, आज जगाने की क्या आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए क्योंकि वो जागृत करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, और जागृत करने के बाद में वो जैसे जैसे ऊपर जाएगी, हाँ, जागृत करने के लिए इस मार्ग के अंदर पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे बोलते हैं ना, मूलाधार चक्र पे गणेश जी का स्थान है, गणेश जी पवित्रता का दूसरा नाम है। यानी जो जागृति करा रहा है, जो कुंडली शक्ति को जगा रहा है, जगाने वाला अधिकारी पुरुष है या नहीं है, वो उतना पवित्र है कि नहीं, वो उतना शुद्ध है कि नहीं, तब तक वो जागृत नहीं हो सकती। जगाना, जागृत करना आसान नहीं है। और जागृत करने के बाद में जैसे ही अधिकारी पुरुष इच्छा करता है, वो क्या करता है, उसकी खुद की जागृत रहती है, और जागृत करने के बाद में वो इच्छा करता है कि आपकी भी हो जाए, तो उसके कृपा मात्र से, उसके इच्छा मात्र से जागृति हो जाती है। और जागृति होने के बाद में धीरे धीरे आपका आपके चित्त पे नियंत्रण हो जाता है। और दूसरा, वो सहस्रार तक आती है, और सहस्रार तक आने के बाद में वो एक एक चक्रों से गुजरते हुए आती है, और जो गुजरते हुए आती है वो सभी चक्रों को वाइब्रेशन देती है, सभी चक्रों को ऊर्जा देती है, सभी चक्रों को शक्ति देती है, तो आपके सब चक्र सशक्त हो जाते, मजबूत हो जाते।
और मजबूत होने के बाद में पहला फायदा होता है कि आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, आपकी विचारों की तीव्रता कम हो जाती है, आपके मन को शांति मिलती है, आपको समाधान प्राप्त होता है, ये सब एक एक गुण आपको मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। दूसरा, हमारी प्रगति हो रही है नहीं, हमारी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं, ये हमको हमारे ही जीवन काल में मालूम पड़ना चालू हो जाते हैं। कैसे? जो लोग हमको पसंद भी नहीं करते थे, जो हमसे बात करना पसंद नहीं करते थे, वो लोग भी हमारे करीब आके बैठने लग जाते हैं, बात करने लग जाते हैं। कुछ नहीं, इधर से जा रहा था, सोचा तुमको मिल के जाऊं, तो ऐसा तुम्हारे आसपास का वातावरण चेंज होता है, तुम्हारे आसपास का बदलाव चेंज होता है। ऐसा अगर होने लग गया तो समझ लो तुम्हारी प्रगति हो गई। लेकिन फिर मैंने कहा, प्रगति के साथ साथ नियंत्रण भी आवश्यक है। कई बार देखा है मैंने, साधक जागृति को प्राप्त करते हैं, ध्यान करते हैं, 6 महीने 8 महीने खूब अच्छा ध्यान लगता है, खूब अच्छी स्थिति बन जाती है, और कुछ दिनों के बाद में सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट हो जाता है? ध्यान करके, मेडिटेशंस करके चित्त को स्ट्रांग कर लिया, चित्त को मजबूत कर लिया, चित्त को सशक्त कर लिया, लेकिन नियंत्रित नहीं रखा, नियंत्रित नहीं रखा यानी, माने जो चित्त का आदत था कि नहीं, इसके अंदर चित्त डाल, उसके अंदर चित्त डाल, उसका दोष देख, इसका दोष देख, वही आदत बाद में भी रही। तो अगर पावरफुल चित्त होकर के तुम अगर दूसरे में चित्त डालोगे, इसके दोष देख, उसके दोष देख, उसके दोष देख, सबके दोष इकट्ठा कर लोगे और खुद कचरे का डब्बा हो जाओगे, तो डस्टबिन की स्थिति तुम्हारी खुद की हो जाएगी और फिर तुम्हारी आध्यात्मिक स्थिति खराब हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं, एक दफे तुम्हारा ध्यान कम लगे चलेगा, तुम्हारा चित्त सशक्त कम हुआ तो चलेगा, लेकिन तुम्हारा चित्त नियंत्रित होना चाहिए। यानी तुम कार चलाना सीख रहे हो, 100 की जगह 40 के स्पीड में कार चलाई तो भी चलेगा, लेकिन कार के ऊपर आपका पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। वैसे आपकी आध्यात्मिक स्थिति थोड़ी सी प्रगति हुई, थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई तो भी चलेगा, लेकिन आपका आपके चित्त के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा चित्त पे नियंत्रण करना, अगर आप सीख जाओ तो ऑटोमेटिकली फिर दोनों प्रगति होती है, चित्त की भी सशक्तता बढ़ती है और दूसरा चित्त पे नियंत्रण भी आता है। कुंडलिनी शक्ति एक माध्यम है जिसके द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, और आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने के बाद में ये वैसी प्रक्रिया है जैसे हम देखते कि नहीं, सब धर्मों के अंदर एक ही बात तो कही हुई है, अच्छी बातें करो और बुरी बातें छोड़ो, अच्छी बातें करो और बुरी बातें छोड़ो, अच्छी बातें करो और बुरी बातें छोड़ो। ये करते, ये करते, ये करते, ये करते, 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 करते आपके भीतर की अंतरात्मा की, आपके भीतर के आत्मा की जागृत करने की प्रक्रिया है। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी बड़ी है, इतनी कठिन है, इतने सालों की है कि तब तक हमारा जीवन ही समाप्त हो जाता है। आत्म साक्षात्कार की पद्धति उससे उलट है। इसके अंदर ये नहीं बताया जाता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कुछ नहीं। शरीर को महत्व ही नहीं है, शरीर के बातों को भी महत्व नहीं है, सीधे आपके भीतर का लाइट प्रकाशित कर दिया जाता है, आपके भीतर का आत्मा जागृत कर दिया जाता है। और आत्मा जागृत हो जाने के बाद उस प्रकाश में आपको आपके दाग सर्वप्रथम दिखते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी दिए को जलाया जाए तो ऑटोमेटिकली दिए के कांच के ऊपर कौन से दाग लगे हुए हैं, कौन से धूल है, कौन सी डस्ट है, वो सबसे पहले किसको दिखेगा? तो दिए को दिखेगा, क्योंकि उसके प्रकाश के अंदर वो सबसे करीब है, सबसे पास है। तो आत्म साक्षात्कार होने की पहचान यह है कि जैसे आपके आध्यात्मिक प्रगति हो रही है तो सबसे पहले आपको दूसरे के दोष दिखना बंद हो जाएंगे। क्या कारण है? क्योंकि आपका चित्त अंतर्मुखी हो गया है तो आपको बाहर के दोष दिखेंगे नहीं, दूसरे के दोष दिखेंगे नहीं। अगर आपको अभी भी दूसरे के दोष दिख रहे हैं, इसका मतलब आपने उसकी पहली स्टेप ही चढ़ी नहीं है। दूसरा, जब दूसरे स्टेप पे चढ़ोगे ना,
तो आपको आपके दोष दिखना प्रारंभ हो जाएंगे, मेरे अंदर ये दोष है, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरी ये आदतें खराब है, ये मेरे व्यसन है, आपको आपके दोष दिखना प्रारंभ हो जाएंगे, आपको आपके व्यसन दिखना चालू हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके सबसे करीब के हैं, आपके सबके पास के हैं। तो ऐसे करीब के, ऐसे पास के बातें आपको इसलिए दिखना चालू हो जाएगी क्योंकि वो आपके करीब की, आपके पास के। और ध्यान करने के बाद, ध्यान एक अभ्यास है, ध्यान एक साधना है, ध्यान एक प्रैक्टिस है, ऐसा कुछ नहीं कि एकदम फू कर दिया कि हो गया। कई बार लोग मुझे पूछते हैं, स्वामी जी क्या आप कुंडलिनी शक्ति जागृत करते हो? मैं बोलता हूं मैं कुछ नहीं करता, ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, इसको कोई भी नहीं कर सकता। बोले तुम नहीं करते हो, फिर हो जाती है? हो जाती है। मैंने कहा हाँ हो जाती है। कैसे हो जाती है? तो एक मोमबत्ती अपने स्थान पे स्थित होकर के जल रही है और वो जलती हुई मोमबत्ती से प्रेरणा लेकर के, एक बुझी हुई मोमबत्ती की इच्छा हुई कि मुझे भी जागरूक होने का है, मुझे भी प्रकाशित होने का है, तो ऐसी शुद्ध इच्छा लेकर के वो बुझी हुई मोमबत्ती धीरे 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 उस जलती हुई मोमबत्ती के पास में आती है। और जैसे ही उस जलती हुई मोमबत्ती के पास में उसके लो से इसकी लो स्पर्श हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली बुझी हुई मोमबत्ती भी जल उठती है। तो जलती हुई मोमबत्ती बुझी हुई मोमबत्ती को जलाती है क्या? नहीं, वो तो अपने जगह पर स्थित होती है, वो अपने स्थान पर जलती रहती है, लेकिन बुझी हुई मोमबत्ती जलती हुई मोमबत्ती के सानिध्य में स्वयं प्रकाशित हो जाती है, स्वयं जल जाती है। ठीक वैसा ही है, एक गुरु स्वयं कुछ नहीं करता, वो अपने जगह स्थित रहता है, अपने जगह बैठ रहता है, लेकिन उसके सानिध्य में ये घटना घटित हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास में खूब बड़ी सामूहिकता रहती है, खूब बड़ी कलेक्टिविटी रहती है, उस कलेक्टिविटी की उसकी शक्ति रहती है, उसी शक्ति के कारण वो व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति दिखता हो लेकिन सामान्य व्यक्ति होता नहीं है। दिखने को हमारे जैसे दो पैर, हमारे जैसे दो हाथ उसको भी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो असामान्य रहता है। वो सामान्य इसलिए रहता है, उसके आसपास हजारों लाखों आत्माओं की सामूहिकता रहती है, हजारों लाखों आत्माओं की सामूहिक शक्ति होती है। कुछ साल पहले मैं इंग्लैंड गया था, तो वहाँ पे एक पेंद्रू करके जगह है, वहाँ पे शिविर लेता था, तो एक गार्डन के अंदर बैठा हुआ था। पत्रकारों की शिविर समाप्त हुई, तो पत्रकारों की शिविर समाप्त होने के बाद में एक पत्रकार ने पूछा, स्वामी जी मुझे अनुभूति हुई, मुझे अनुभव आया, ध्यान किया, अच्छा लगा, सब महसूस हुआ, लेकिन मैं मेरे पत्रकार मित्रों को कैसे समझाऊं कि आप कोई विशेष व्यक्ति है, आप कुछ अलग व्यक्ति है, हमसे हटकर है, क्योंकि दिखने को तो कुछ नहीं दिखता। उस समय ये ओरा के फोटोग्राफ वगैरह नहीं थे, तो आपको भी दो हाथ हैं, मेरे को भी दो हाथ हैं, आपको भी दो पैर हैं, मेरे को भी दो पैर हैं, आपके अंदर भी खून है, मेरे अंदर भी खून है, हम दोनों समान एक जैसे हैं। तो मैं उनको कैसे समझाऊं कि आप कुछ विशेष हैं? तो उस समय पीछे खूब बड़ी पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के ऊपर एक उच्च शिखर था, उस उच्च शिखर की तरफ इशारा करके मैंने उस पत्रकार को कहा, प्रत्येक मनुष्य उस उच्च शिखर पे पहुंचना चाहता है, चाहता है कि अपने जीवन काल में उस उच्च शिखर पे पहुंचे, और पहाड़ के किसी भी स्थान से, किसी भी जगह से, किसी भी जमीन से, किसी भी मिट्टी से उस उच्च शिखर तक पहुंचा जा सकता है। सब जगह से पहाड़ खुला है, कोई कंपाउंड नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से, इस इच्छा से उस उच्च शिखर तक पहुंचता है कि उस उच्च शिखर पे प्रत्येक मनुष्य पहुंचना चाहिए, और ऐसी इच्छा करके वो धीरे 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 60 साल की साधना के बाद उस उच्च शिखर तक पहुंचता है, और शिखर पे पहुंच करके वहां बैठा नहीं रह जाता, वहां स्थित नहीं हो जाता, वहां से धीरे 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 रास्ता बनाते हुए आता है दूसरों के लिए,
कि उस उच्च शिखर पे दूसरे लोग भी पहुंच सके, इस शुद्ध भाव के साथ रास्ता बनाता है, रास्ते के कंकड़ पत्थर हटाता है, रास्ते की झाड़ियां साफ करता है, और ऐसी झाड़ियां साफ करते धीरे 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 नीचे आता है, और नीचे आकर के एक गेट बनाता है, एक पगडंडी बनाता है, पगडंडी के ऊपर एक गेट बनाता है, और गेट के ऊपर बैठा रहता है। जो भी लोग पर्वत पर चढ़ना चाहते हैं, जो भी लोग उस उच्च शिखर पर जाना चाहते हैं, उन सब लोगों को बताता है, तुम उच्च शिखर पर जाना चाहते हो ना, तुम उस उच्च शिखर पर पहुंचना चाहते हो ना, मैं जाकर के आया हूं, और मेरी इच्छा है प्रत्येक मनुष्य मात्र उस उच्च शिखर पर पहुंचे। इसीलिए मैंने प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए एक मार्ग बनाया है, एक रास्ता बनाया है, रास्ते के सारे कंकड़ हटाए, सारे पत्थर हटाए, सारी झाड़ियां हटाइए, और नीचे आकर के एक पगडंडी बनाइए। इस गेट में से, इस पगडंडी से जाओगे तो सीधे उच्च शिखर पर पहुंचोगे। ये पगडंडी मेरी जानी पहचानी हुई है, ये पगडंडी मैंने अनुभव की हुई है, ये पगडंडी पे कोई कांटे नहीं है, इस पगडंडी पे कोई पत्थर नहीं है, ये सीधी पगडंडी उस उच्च शिखर तक आपको पहुंचाती है, और ये मैंने आप ही के लिए बनाई है। मेरी इच्छा है प्रत्येक मनुष्य मात्र इस पगडंडी के द्वारा उस उच्च शिखर तक पहुंचे, इसको मोक्ष कहते हैं। और ऐसी उसकी बात के ऊपर विश्वास करके हजारों लाखों लोग उस पगडंडी से उस उच्च शिखर तक पहुंचे, और वो पगडंडी नहीं, वो हाईवे हो गई। तो आज इस गेट के पास की मिट्टी और पहाड़ की मिट्टी समान है, एक जैसी है। पहाड़ पे किसी भी रास्ते से पहुंचा जा सकता है, उच्च शिखर पे किसी भी जगह से पहुंचा जा सकता है, पहाड़ के किसी भी कोने से उच्च शिखर तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन यहां से पहुंचना आसान है। यहां से पहुंचने का अनुभव यह हुआ व्यक्ति यहां बैठा हुआ है, यहां मार्गदर्शन कर रहा है, रास्ता बता रहा है, पगडंडी बता रहा है, चढ़ना तुमको ही होगा। वो नहीं चढ़ेगा क्योंकि वो तो चढ़ के आके गए, उसके लिए शिखर बाकी नहीं रहा, वो शिखर पहुंच करके आए, शिखर पहुंच करके नीचे इस इच्छा से आए कि प्रत्येक मनुष्य मात्र उस स्थान तक पहुंच सके। तो पहाड़ की मिट्टी और इस मिट्टी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये मिट्टी वह मिट्टी है जिसको लाखों लोगों ने अपनाया है, पहाड़ की मिट्टी को नहीं। तो तू वो है जिसको किसी ने नहीं अपनाया, मैं वो व्यक्ति हूँ जिसका लाखों आत्माओं के साथ संबंध है, लाखों आत्माएं मेरे साथ जुड़ी हुई है, मैं लाखों आत्माओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो शरीर से मैं एक हूँ, लेकिन मैं एक नहीं हूँ, मेरे साथ लाखों की सामूहिकता है, लाखों की कलेक्टिविटी है, और लाखों के कलेक्टिविटी का लाभ आपके जीवन में निश्चित सकारात्मक चेंज लाएगा ही। एक बार मुंबई में एक रिसोर्ट के अंदर मैं रहता था, जब भी मुंबई पहुंचना हो तो एक घंटे में पहुंचा जा सकता है। तो वहां पे सुबेरे 4 बजे एक आम के वृक्ष के नीचे ध्यान करता था, तो 5:30-6 बजे करीब जब ध्यान में से उठा, एक पति पत्नी दौड़ लगाने को आए थे, और उन्होंने बोला आप क्या कर रहे हो, मैं बोला ध्यान कर रहा हूं। फिर ध्यान के ऊपर हमारी आधा घंटा तक बातचीत हुआ, और आधा घंटा बातचीत होने के बाद में फिर वो चले गए, मैं भी मेरे रूम में चला गया। दूसरे दिन फिर मैं वहां ध्यान करते बैठा था, जब ध्यान में से उठा तो दोनों जने मेरा ही इंतजार कर रहे थे, मेरी राह देख रहे थे कब मैं ध्यान में से उठूंगा। और उस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया, मैं मुंबई के एक कंपनी में आईटी का प्रमुख हूं, और स्वामी जी कल चमत्कार हो गया, आपको मिलके गया ना, एक प्रोग्रामिंग मैं कई महीनों से बना रहा था जो नहीं बना, और कल आधे घंटे के अंदर सब कुछ हो गया। मैंने उसको समझाया इसमें चमत्कार जैसी कुछ भी बात नहीं है, तू कल आधा घंटा मेरे साथ नहीं बैठा था, मेरे साथ लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता है, कलेक्टिविटी है, तो तू लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं के साथ बैठा था, तो आधे घंटे के अंदर तेरे जीवन में अगर चमत्कार नहीं हुआ तो चमत्कार है, चेंज तो आना ही चाहिए था, आना ही चाहिए, आएगा ही। तुम सकारात्मक शक्तियों के साथ, सकारात्मक सामूहिकता के साथ आधा घंटा भी बैठो तो आधे घंटे में तुम्हारे में चेंज आएगा, आधे घंटे में बदलाव आएगा। तो वो आईटी का प्रमुख
तो केवल आधा घंटा बैठा, आप तो 3 दिन से बैठे हो। तो कल से तुम देखोगे तुम्हारे भी जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आने वाला है।